Hello and a very good morning, everyone. I am Anukriti Chahan, and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to have a really important discussion based on one of the most important topics associated with the history and culture of Rajasthan so guys, you all have must heard about some of the important forts in rajasthan. few are left in our class. we have started this class yesterday and uh, the major forts we have discussed in the previous class only. today we will be discussing some more forts and then we will be looking upon the question and answers which are very, very important from your examination point of view. right, rishi mukesh, a very good morning, a very good morning. let's just begin our class without wasting much time. and yes, uh, what i gonna do is in the end, I'm going to ask you some more relevant question associated with the mains examinations if they are asked, right? Like for Ranthambore Fort. Ranthambore Fort ke बारे mein jab bhi aap log padhte hain, maximum of you are not aware about the Jain Fort. और वो Jaina Fort क्यों बनाया गया था, उसका relevance हमें नहीं पता। लेकिन वो exam में पूछा जाता है। Examiner आपके point of view से जो least important चीजें हैं, उनकी नजरों में examiner examiner की नजरों में वो चीजें बहुत ज़्यादा important होती हैं।

उम्मीद करते हैं कि हर साल हम ऐसे ही इस दिन को मनाते रहें जयपुर की जो ब्यूटी है उसकी जो खूबसूरती है उसकी जो सुंदरता है उसमें जो अपना एक एसेंस है पिंक सिटी का एसेंस है वो हम हमेशा यूँ ही बरकरार रखें राइट मुकेश मैंने आपको कल एक नहीं पाँच सात नंबर दिए थे उनमें से आप किसी पर अगर कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आंसर करता है तो प्लीज़ वो मुझे बता देंगे तब मैं आपको बता दूंगी ठीक है अदरवाइज आपको जो भी बात करनी है जो भी आपका प्रॉब्लम है सोल्यूशन है वो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं मैं क्लास के बाद में उसे बिल्कुल एड्रेस करूंगी ठीक है चलो तो फोर्ट्स हम देख रहे थे काफी सारे मेजर मेजर फोर्ट आप लोगों ने देख लिए थे मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया था पारिख पारिथ एरन आपका डेजर्ट धनवन फॉरेस्ट फोर्ट्स वाटर फोर्ट्स फोर्ट, हिली फोर्ट्स मिलिट्री फोर्ट्स और इसके साथ में सहाय फोर्ट्स राइट तो अब हमने क्या किया था उनमें इंडिविजुअली हमने फोर्ट्स को पिक किया था तो अब नेक्स्ट फोर्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है सिवान फोर्ट कोई है क्लास में जो बता दे कि मैंने किस एक टाइप ऑफ फोर्ट में सिवान फोर्ट के बारे में बताया था यस मैंने कल टाइप्स ऑफ फोर्ट बताए थे आपको नाइन टाइप्स ऑफ फोर्ट्स हमने डिस्कस किए थे और उसमें मैंने एक में कहा था कि सिवान फोर्ट उसमें आएगा तो कौन सा एक था कोई मुझे बता सकता है कल की क्लास में पैलेसेस और हवेलीज कर लेंगे तो ये फोर्ट्स पैलेसेस और हवेलीज ये वाला टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा मॉन्यूमेंट्स नहीं बोल रही हूं जस्ट पैलेसेस हवेलीज और उसमें कुछ कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ छत्रियां सेनोटेफ्स जिन्हें हम कहते हैं वो देख लेंगे ठीक है हाँ यस सुबह वही साढ़े दस बजे होगी क्लास कल भी हाँ क्वाइट बेटर मुकेश ओके वी विल टॉक अबाउट दैट मुकेश ठीक है चलो सिवान फोर्ट जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने किस कैटेगरी के अंदर सिवान फोर्ट के बारे में बताया था कोई मुझे बताएगा सिवान फोर्ट जब हम टाइप्स ऑफ फोर्ट डिस्कस कर रहे थे तब एक फोर्ट में सिर्फ सिवान फोर्ट की बात की थी हमने नॉट एरन एरन फोर्ट नहीं है एक कैटेगराइजेशन ऐसा पड़ा था जिसके अंदर आपने सिर्फ यह देखा था कि उसमें मैंने कहा था आपको कि इसमें सिर्फ एक ही फोट आएगा सिवान फोट कौन सा कैटेगराइजेशन था नहीं याद आ रहा है तो पहले कैटेगराइजेशन याद कर लो पहले कैटेगराइजेशन याद कर लो कल मेजर मेजर सारे फोर्ट्स पढ़ चुके हो चित्तौड़गढ़ पढ़ चुके हो गागर पढ़ चुके हो मेहरानगढ़ पढ़ चुके हो जैसलमेर पढ़ चुके हो सारे फोर्ट पढ़ चुके हो सिर्फ एक फोर्ट मैंने आपको ऐसा बताया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि सिर्फ सिवान फोर्ट इसके अंदर आएगा झाड़ियां ज्यादा है पेड़ चारों तरफ ज्यादा है और इसलिए इसका एकमात्र एग्जाम्पल सिवान फोर्ट है इसलिए इसका एकमात्र अगर हम जगह बताएं तो वो क्या आएगी सिवान फोर्ट आएगी दैट क्लियर क्या इतना क्लियर है अभी भी देखो हेल्पलाइन नंबर डाल दिया है टीम ने तो टीम काफ़ी एक्टिव है आप उसी पे रिस्पॉन्ड करें कॉल करें प्लीज़ हाँ बट बार बार ये सिर्फ एक सिंगल कॉमेंट ना करें क्लास में ठीक है इतना क्लियर है सिवान फोर्ट के बारे में सिवान फोर्ट के बारे में क्लियर है कि एक फॉरेस्ट फोर्ट की कैटेगरी में आता है कल हमने जैसलमेर फोर्ट देखा बीकानेर फोर्ट देखा था इसके अलावा जालौर का फोर्ट देखा था फिर हमने बात की थी सिवान फोर्ट की ना वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द सिवान फोर्ट फर्स्ट थिंग लोकेशन आपसे हंड्रेड परसेंट पूछेगा आज भी आपको मैंने जो आपके क्वेश्चन है उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंशन करे हैं ठीक है यस yes. हाँ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मेंशन करे हैं तो सिवान फोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएटेड है दैट इज राइट किसने बनवाया था वीर नारायण पवार ने इनका किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था अब इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसे कुमट का दुर्ग भी कहते हैं कुमट क्यों कहते हैं कुमट का दुर्ग कोई बताएगा मुझे क्योंकि कुमट एक झाड़ी होती है एक झाड़ी होती है क्या होती है एक झाड़ी होती है कुमठ झाड़ नहीं देखा आपने झाड़ झाड़ी है ना बहुत सारे ऐसे नुकीले कटीले से पेड़ होते हैं उस कुमट की झाड़ी का अबंडेंस बहुत ज्यादा इस मात्रा में कि कोई कंपैरिज़न नहीं है वो अवेलेबल है इस एरिया में कुमट एक बुश होती है एक झाड़ी होती है जो इस सिवान फोर्ट के आसपास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अबंडेंस में अवेलेबल है तो उसे हम क्या कहेंगे इसको हम कुमट फोर्ट भी कहते हैं कुमट का दुर्ग भी इसे कहते हैं राइट right? यसट yes. इस सिवान के फोर्ट को ऐसा कहा जाता है कि जब राठौड़ों के ऊपर किसी भी प्रकार की दुविधा आई किसी भी प्रकार से इन लोगों के आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो राठौड़ों का जो एक फोर्ट था जो एक उनका सहारा हुआ करता था वो फोर्ट आपका कौन सा रहा सिवान फोर्ट रहा तो जब भी हम सिवान फोर्ट की बात करेंगे हम ये चीज भी याद रखेंगे कि जब भी राठोडों को रिफ्यूज चाहिए था रिफ्यूज आजन, उनको शरण चाहिए थी जब भी राठोडों के ऊपर कोई दुविधा आई और उनको शरण की जरूरत पड़ी तो क्या कहेंगे कौन से फोर्ट में गए सिवान फोर्ट में गए और ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं चंद्रसेन और मालदेव जब इनके ऊपर कोई अटैक्स हुए तो इनको डायरेक्ट कहां जाने को मिला सिवान फोर्ट में जाने को मिला अब देखो बाड़मेर है नियरेस्ट टू जोधपुर एज वेल एज बीकानेर बाड़मेर जो है वो जोधपुर के भी पास है अयो और बीकानेर के भी पास है जस्ट सेकेंड किस किस के पास है जोधपुर और बीकानेर दोनों के पास है हाँ जी बिल्कुल तो इसे क्या कहते हैं राठौड़ जो भी पूरे आपके मारवाड़ रीजन में रूल कर रहे थे देखो बीकानेर के राठौड़ों को हम अलग नहीं मानेंगे हम आज भी यही कहते हैं कि जोधपुर वाले जो राठौड़ हैं, उन्हीं की एक क्लैन है भैया राव जोधा के बेटे की ही तो शुरुआत है तो अलग तो नहीं मानेंगे इनको तो बीकानेर और जोधपुर दोनों के राठौड़ो को इसने कंबाइन किया है और ये कहा है उनका शरण स्थल या शरण स्थली रेफ्यूजी फोर्ट कौन सा था सिवान फोर्ट था राइट इज दैट क्लियर क्या इतना समझ में आ गया सिवान फोर्ट के बारे में सिवान फोर्ट के बारे में इतना क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट थिंग that वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको क्या कहा जाता है जालौर के किले की चाबी क्या कहा जाता है इसे जालौर की चाबी या जालौर के किले की चाबी भी इसे कहते हैं अच्छा जालौर की चाबी क्यों कहा जाता है इसका रेफरेंस बताना ठीक है जालौर की चाबी क्यों कहते हैं इसे इसका रेफरेंस बताओ द की ऑफ जालौर यस <coughs> ऋषि yes, पता है आपको सूर्या मुकेश पेशल कौन बता सकता है हाँ जी जालौर की चाबी किसी को पता है क्यों कहते हैं बताओ जिसे भी पता है जो भी पता है हाँ जी देखो किसी एक बच्चे ने मुझे क्लास में मेंशन किया था कि मैम जो डायनेस्टीज़ है वो कंप्लीट नहीं हुई है आपने जो डायनेस्टीज़ पढ़ाई थी वो अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं हुई है तो क्या हम डायनेस्टीज कवर कर सकते हैं क्या आपकी अपकमिंग क्लासेस के अंदर तो उसी को बता देती हूँ जो भी स्टूडेंट्स थे जिनको डायनेस्टीज कंप्लीट करनी थी तो एक क्लास अब हम आ, कोशिश करेंगे कि वीक में एक या दो डायनेस्टीज को कवर करें अलोंग विद दिस कंटेंट पोर्शन ऑफ कल्चर तो साथ साथ में हिस्ट्री और कल्चर चलता रहा था ठीक है जालौर किले को जीत लिया तो इसको जीतना भी थोड़ा इजी होता था जैसे झाइंड दुर्ग की की ऑफ रंथम्बोर फोर्ट को कहते हैं ठीक है क्योंकि काल में जालौर शासकों को शरणास्थली नहीं 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 सूर्य का पॉइंट सही है जालौर फोर्ट पे पहुंचने के लिए अगर जालौर के फोर्ट को अटैक करना है तो पहले सिवान फोर्ट पे अटैक करना पड़ता था और अगर किसी ने सिवान फोर्ट पे अटैक कर लिया तो ये मानते थे कि जालौर का फोर्ट तो अब वो जीत ही लेंगे जैसे कि बिल्कुल एग्जाम्पल सही दिया है कि रणथम्बोर फोर्ट की की थी झाइन फोर्ट रणथंभौर फोर्ट की की हम किसको मानते थे झाइन किले को मानते थे अब जब झाइन का किला हासिल कर लिया तो रणथंभौर भी हासिल कर लेंगे क्योंकि जब की हमारे पास है तो ताला खोलने में थोड़ी ना देर लगती है तो इसीलिए सिवान के फोर्ट को जालौर की की कहा जाता है झाइन फोर्ट को रणथंभौर की की कहा जाता है पहले के राजा लोग क्या करते थे एक बड़े फोर्ट के पास में एक छोटा फोर्ट पहले ही बना देते थे ताकि अगर यहाँ पे अटैक हो तो उन्हें पहले ही पता चल जाए कि अब हमें सतर्क होना है पर कोटा होता था इसके अराउंड भी पर यहां से ही उनको खबर मिल जाती थी कि अब हमारे ऊपर बड़ा अटैक होने वाला है तो उनकी प्रिपेयर्डनेस वो लोग बढ़ा लेते थे कोशिश करते थे कि सेना को बीच रस्ते में ही रोक दे ठीक है <coughs>

वैसे सातल और सोम थे जिन्होंने आपके सिवान के फोर्ट को प्रोटेक्ट किया था इन्होंने केसरिया किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था ठीक है हाँ जी यस इज दैट क्लियर नेक्स्ट इज मांडेलाव तालाब इज ऑल्सो बिल्ट इन दी सिवान फोर्ट अब तालाब का रेफरेंस क्या होगा वाटर रिजर्वायर्स का कंस्ट्रक्शन कभी भी होगा तो उसमें एक रेफरेंस आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडीज की कमी है सिवान की लोकेशन है बाड़मेर सिवान फोर्ट की लोकेशन आपकी है बाड़मेर अब बाड़मेर में तो वैसे ही पानी की कमी रहती है तो वहां पे रिजर्वायर्स डेली लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस के लिए इंपॉर्टेंट है राइट इज दैट क्लियर हाँ जी मांडे लाओ मांडे एम ए भांडे नी एम ए मांडे ठीक है हाँ चलिए इज दैट क्लियर अबाउट दिस दिसवान फोर्ट इज दैट क्लियर अबाउट दिस सीवान फोर्ट यस सौरभ डू यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट हाँ जी चलिए नेक्स्ट थिंग नाउ कुंबलगढ़ हो गया चित्तौड़गढ़ हो गया मेहरानगढ़ हो गया जालौर हो गया अब मैम सिवान भी आपने बता दिया और यह भी बता दिया दैट इज जालौर फोर्ट मतलब कि अगर सिवान का फोर्ट कौन कर, कर लिया कैप्चर कर लिया तो जालोर पे अटैक करने में हमें जोर नहीं आएगा वो हमारे ही अंडर में आएगा ठीक है अब समझो इसकी बात आमेर फोर्ट <coughs> कौन सा वाला जयपुर वाला आज क्या है जयपुर स्थापना दिवस तो जयपुर वाले आमेर फोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई इज दिस इंपॉर्टेंट मैम हाउ टू रिमेम्बर सच फोर्ट्स विजिट देम विजिट देम किसी भी किले को याद करना है उसकी स्पेसिफिकेशन याद करनी है तो जब टाइम मिले एक बार इन्हें विजिट जरूर करके आओ देखो अगर राजस्थान के रेडियस में ही बात करूँ तो आपके लिए ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे आप अप डाउन कर सकते हो जोधपुर जाना है भैया अगर जयपुर से जा रहे हो सुबह छः बजे जाओ ग्यारह बजे दिन में जोधपुर उतर के ग्यारह बजे से चार बजे तक घूमो फिर वापस आ जाओ ऑलमोस्ट हर जगह का यही है आपको अगर राजस्थान में कहीं पे भी ट्रेन एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो ट्रेन हर जगह अवेलेबल है वहां जाके आप इन मेजर मेजर फोर्ट्स को विजिट करो एक तो आपकी आउटिंग हो जाएगी ठीक है टूरिज्म बूस्ट होगा प्लस दूसरी चीज आपको इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है यस ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी आमेर फोर्ट कोई बता सकता है आमेर फोर्ट के स्टैब्लिशमेंट्स और इनकी स्पेसिफिकेशन uh, के बारे में <coughs> <coughs> हाँ जी आमेर फोर्ट के स्टैब्लिशमेंट्स और इन सब के बारे में कोई बता सकता है हाँ जी स्थापना अच्छा जी स्थापना तो समझ गए वो तो हमने जयपुर स्थापना दिवस से ही समझ गया था आमेर फोर्ट की बात में यहाँ पे कर रही हूँ काकिल देव ठीक है इसलिए इसे काकिलगढ़ भी कहते हैं अच्छा पॉइंट है सूर्य अच्छा पॉइंट है अच्छा पॉइंट है।, अच्छा है।, अच्छा है हाँ जी ठीक है <coughs> क्या पूरा नहीं सौरभ अभी मैं नहीं करवा रही हूँ देर आर वी डिफरेंट फैकल्टीज फॉर दैट हाँ बट हाँ यू कैन डेफिनेटली गेट कनेक्टेड ठीक है अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ बट सून इन द काइज़न आई विल बी टेकिंग अप सम ऑफ प्रोबेबली हिस्ट्री एंड कल्चर एसोसिएटेड विद द राजस्थान या आमिर आमेर फोर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे आपके यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें हैं आमिर के फोर्ट को वैसे तो बताऊँ सबसे स्पेसिफाइड फोर्ट भी कहा जाता है यहाँ पे हर चीज़ का अलग महल है बादल महल है शीश महल है बरादरी है बहुत सारी जगह है अब तो इसको ना बेसिकली कन्वर्ट दीवाने आम है दीवाने खास है बहुत सारी जगह है तो मतलब हर कल्चरल फॉर्म से हर कल्चर से यहाँ पे कुछ ना कुछ लिया गया है आमेर फोर्ट के अंदर बहुत स्पेसिफिकेशन है काकिलगढ़ क्यों कहा जाता है क्योंकि काकिल देव ने इसका स्टैब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले किया इसलिए से काकिलगढ़ कहा जाता है बनवाया किसने ये पूरा आमेर का महल तो मान सिंह वन ने बनवाया दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देर इज अग टेम्पल इन द फोर्ट ऑफ आमेर इन द प्लेस ऑफ क्वीन आपकी जो क्वीन्स का लाफ्टर प्लेस हुआ करता है जहाँ पे वो हस्ती है ठीक है वैसे तो जनानी ड्यूडी कहते हैं उसे वहाँ जहाँ क्वीन्स रहती हैं वहाँ पर आपका एक सुहाग टेंपल भी बना हुआ है इट हैज सुख मंदिर सुख मंदिर है जिसके अंदर 12 आइडेंटिकल रूम्स हैं आइडेंटिकल रूम्स का मतलब क्या होता है आइडेंटिकल रूम्स का मतलब होता है एक जैसे कमरे हर चीज जो एक जैसी ही है उनमें कोई डिफरेंसेस मेजर नहीं है सो दिस इज बेसिकली दिट हैज ट्वेल्व आइडेंटिकल रूम्स विच बिल्ट बाय मिर्जा राजा जय सिंह जी मिर्जा राजा जय सिंह जी तो मिर्जा राजा जयसिंह जी के रूल के टाइम पे उन्होंने बारह एक जैसे कमरों का कंस्ट्रक्शन करवाया कहाँ पे करवाया सुख मंदिर के अंदर करवाया स्पेसिफिकली आमेर फोर्ट के अंदर क्यों ताकि अगर मेरी कोई रानी हो तो उनको ये नहीं लगे कि भैया उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया सबको बराबर का मिलेगा ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट निम्नलिखित सारी चीजें आपकी अवेलेबल है बिल्कुल सुख मंदिर आपकी मिर्जा राजा जयसिंह की जो वाइफ थी उनके लिए था ठीक है एक जैसे कमरे ताकि उनको किसी को भी ये नहीं लगे कि हमारे साथ में किसी के भी साथ में डिफ्रेंशिएशन हुआ है किसी भी प्रकार, वो प्रकार का सबसे पहले है दौलाराम का बाग, दौलाराम का बाग आज भी है आमेर फोर्ट मावठा आमेर को चढ़ने से पहले ही आपको एक पानी का रिजर्वायर दिखता है जहां पानी सेव है आज भी कहते हैं चार बारिश के बाद में जयपुर का मावठा ओवरफ्लो करता है आमेर मावठा मावठा करके एक जगह है आमेर के अंदर फोर्ट चढ़ने से पहले ही एक पानी का वो पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत सारा पानी वानी है ठीक है अगर आप गए हो तो आपको परियों के बाग से थोड़ा आगे माउठा दिखेगा माउठा के जस्ट बाद में आमेर आता है ठीक है तो माउठा क्यों इम्पोर्टेंट है ये कहते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा हमारा एक तरह से पानी सेव करने की जगह थी और चार बारिश के बाद माउठा ओवरफ्लो करता है राजस्थान जयपुर के अंदर और वो इतना ओवरफ्लो करता है कि आने वाले पूरा साल उसमें पानी रहता है आपकी जो बेसिक नीड्स है उन लोगों के लिए Okay, bilkul, bilkul. absolutely, ma'am. Please try to do something that I can have a PDF for which is being taken by uh, Mukeshi, soon I will be just uh, within uh, 4 5 days, uh, probably within this month from December, we will be bringing up uh, uh, these topics in a very sincere manner. <coughs> so, soon we will be bringing up a Telegram channel of this class only, of this YouTube channel only, possibly, in which we will be uploading the previous taken classes also, the daily questions for you. Test for you, quizzes for you. Through that, you can channel this channel or telegram channel, you can get connected with us. Right? Yeah. <clears throat> no, 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 That's not that's next to impossible, Mukesh. Do not even ask such things in the class. Shila Mata Temple, Jagat Shiromani Temple, Ambikeshwar Temple, Baradari Palace. Baradari is now converted into a very beautiful restaurant. You can go for a fine dining over here. फाइन डाइन में इसे कन्वर्ट कर दिया है बारादरी को यहाँ पे अब आप डाइनिंग के लिए जा सकते हैं राइट right? दीवाने आम आमेर महल का शीश महल बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही खूबसूरत है दीवाने आम दीवाने खास केसर कैरी गार्डन केसर की क्यारी तो ये भी गार्डन बहुत सुंदर है आपका सिसोदिया रानी बाग और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी किसके अंदर आती है आमेर फोर्ट की ही पूरी टेरिटोरियल एक्सटेंट में आती है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर इज दिस मच क्लियर क्लियर हुआ इतना चलो अगला देखते हैं बाला किला बाल किला बाला किला <coughs> <coughs> अलवर सीधा चलो तो ठीक है फिर सीधे अलवरी चलते हैं आज हैं सूर्या जी अलवरी चलते सीधे आपको तो पता ही अलवर में क्या क्या है है ना अभी पता नहीं अलवर है या नहीं पर अलवर में तो बहुत सारी चीजें हैं सो so, बाला किला why is this bala kila or bal kila important can anyone through the comment section tell me dekho kisi bhi pe kisi bhi fort pe agar koi native community ka right raha ho और उस native को कोई foreign conquer करे पर वो foreign conquer करके demolish के बाद repair भी कराए ये सब चीजें आपके लिए important है तो यहां क्या हुआ था कंस्ट्रक्शन तो करवाया था निकुम चौहान ने और इसका रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल। रीबिल्ट भी करवाया आपके काकिल देव के सन अलगू राय ने तो लिख लो कहां पर है अलवर में है सबसे पहली चीज अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो अलवर का नाम याद रखना है निकुंभ चौहान्स चौहानों में एक क्लान होती है निकुंभ चौहान तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकुंभ चौहान के बारे में आपको याद रखना तीसरा आएगा रीबिल्ट किसने करवाया ककिल देव के सन अलगू राय ने इसे रीबिल्ड करवाया वापस टूटा हसन खामेवाती ने इसे रिपेयर करवाया एंड देन आफ्टर दैट निकुंभ महल एंड जल महल आर ऑल्सो सिचुएटेड इन इट डेडिकेटिंग टू दी निकुम्भ चौहान निकुम्भ क्लांस ऑफ द चौहान बिल्कुल किले के बाहर करनी माता जी का मंदिर भी है बिल्कुल सही वॉट एव वी है राजस्थान सरकार के गाइड्स आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है और आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा नॉलेज इन फोर्ड्स की किसी और को होती है ठीक है प्लीज टेक हेल्प ऑफ देम हाँ जी चौहानों ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया वो ही अलगू राय भी उन्हीं क्लान को बिलोंग कर रहे हैं सूर्य क्लान अलग नहीं है क्लान अलग नहीं है ठीक है हसन खाम मेवाती ने रिपेयर कराया था बिल्ट की बात यहाँ बिल्ट है यहाँ रीबिल्ट है ठीक है क्लैन वही है निकुंभ चौहान ही है ठीक है इसीलिए यहाँ पे निकुंभ महल का रेफरेंस आता है ओके चलो जहांगीर स्टेड इन दिस जहांगीर भी यहाँ रुके वेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सलीम महल हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सलीम महल क्योंकि वंस वाइल ऑन हिस्स ट्रिप और वाइल ऑन हिज हिस्सा जहांगीर ऑल्सो स्टेड इन दिस पर्टिकुलर फोर्ट और जब वो इस फोर्ट में रहे तो उसका नाम सलीम महल भी रख दिया गया कर्णी माता का टेम्पल भी है जो बख्तावर सिंह ने बनाया था दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट डाउन अबाउट जो कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग है जो रूल था वहाँ पे वो निकुंभ चौहानों का था निकुंभ चौहानों का था रीबिल्ड करवाया काकेल देव के बेटे अलगू राय ने तब भी रूल चौहानों का ही था वहां पे उसने सिर्फ रीबिल्ट करवाया था फिर उस पर अटैक हुआ कहीं से वो डिमोलिश हुआ हसन खां मेवाती ने फिर उसको री रिपेयर कराया अब समझे आप क्लैन चेंज नहीं हुआ था आपके बाला किला के, के अंदर यहाँ पे क्लैन निकुंब चौहानों ने ही रूल किया था ठीक है लोग आते जाते हैं कंस्ट्रक्शन और अपने रेफरेंसेस देते जाते हैं जैसे अगर मम्मी आई मम्मी नानी के घर जाती है बोलती है कि नानी अच्छा आपका सोफा खराब हो रहा है तो भैया घर तो नानी का ही है घर तो मामा के नाम ही है उसमें अब मम्मी ने सोफा लगवा दिया तो उसमें नाना मामा घर थोड़े ना मम्मी के नाम कर देंगे बताओ बिल्ट बाय रीबिल्ट बिल्ट बिल्ट बाय निकुम चौहान रीबिल्ट बाय अलगू राय मैम एज यू ऑलरेडी नो आई एम रिक्वेस्टिंग सिंस सो मैनी टाइम प्लीज वन चांस टू यू यू आई होप यू विल डेफिनेटली हैव दैट चांस ठीक है मुकेश चलो कमिंग टू दिस थिंग आपको ये भी ध्यान रखना है बक्तावर सिंह के बारे में ठीक है चलो सूर्य अगर आप इतने श्योर हो लेट मी जस्ट चेक इट एंड देन आइड कम बैक टू यू ठीक है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि रीबिल्ड किसने करवाया और बिल्ट किसने करवाया फिर हम इस पर वापस डिस्कशन करेंगे ओके हाँ ठीक है ठीक है चलो डलगढ़ मांडलगढ़ very, very Mandalgarh Mandalgarh वैसे important है और वैसे भी बहुत important है मांडलगढ़ दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट है चाहे कोई भी रेफरेंस आप मांडलगढ़ का ले लो मांडलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है विद रेफरेंस टू द लोकेशन दट इट होल्ड द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस और भी मांडलगढ़ में जो आपकी अगर हम कहेंगे कि कुछ ऐसे जो गढ़ों की बात हम करते हैं मांडलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इट इज लोकेटेड इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अब एक इंपॉर्टेंस क्यों है इसका क्योंकि ये तीन रिवर बेडाच, मेनाल, बनास इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है कॉन्फ्लुएंस के सारी चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑटोमेटिकली ही हो जाती है ठीक है सांगा जी का सेनोटेफ क्या बात है सूर्य क्या बात है जस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन राणा सांगा का सेनोटेफ बना हुआ है छतरी तो वो मांडलगढ़ में ही बनी हुई है ठीक है सांगा जब भी पढ़ो तो एक चीज याद रखना सारी बैटल्स पढ़ना सारी बैटल्स को पढ़ना और ये, इवन ये तक पढ़ना कि वो क्यों आपके मध्य प्रदेश या इन तरफ जा रहे थे ठीक है हाँ नेक्स्ट कम्स दी तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर अब क्योंकि सांगा की बात करते हैं तो फिर ठीक है आगे भी देख लेते हैं पृथ्वीराज थर्ड इनकी वाइफ थी ताराबाई सोलंकियों की बेटी थी ताराबाई ठीक है एक पृथ्वीराज और जयमल को एक चैलेंज देते हैं सोलंकी साहब कि काम करो दोनों में से जो मुझे जीतेगा मुझे जिताएगा मुझे हराएगा या आ, अगर हम बात करें फॉरनविजन से लड़ेगा और मुझे मेरा फोट वापस दिलाएगा उसकी शादी में मेरी बेटी ताराबाई से कर दूंगा जैमल को छल कपट से सोलंकी हरा देते हैं लेकिन जैमल की शादी हो जाती है ताराबाई से थ्रू आउट जब जयमल सॉरी पृथ्वीराज की शादी हो जाती है ताराबाई से जैमल की डेथ हो जाती है पृथ्वीराज की शादी हो जाती है बड़े भाई होते ताराबाई से जब पृथ्वीराज पूरा सिरोही के रूलर से लड़ने में इन्वॉल्व थे तब उस पूरे पीरियड में ताराबाई तारागढ़ अजमेर में रहती थी अजमेर के फोर्ट का नाम भी तारागढ़ पड़ गया बूंदी वाला तारागढ़ नहीं ये वाला तारा है ये अजमेर वाला तारागढ़ है ठीक है यहाँ देखो दिस फोर्ट इज इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स हेंस इट कॉल्ड गढ़ दिसली नेक्स्ट इट इज गढ़ जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान तो जिब्राल्टर का रेफरेंस आता है अब जिब्राल्टर पढ़ो तो पूरा देख लेना वर्ल्ड मैप पे जिब्राल्टर की लोकेशन कहा आती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहा आता है कोई बोलता है मैम अफ्रीका के ऊपर आता है कोई बोलता है मैम यूरोप के नीचे आता है कोई कहता है मैम फ्रांस के पास है कोई कहता है स्पेन के पास है कोई कहता है एमस्टरडेम के पास है तो भैया देख लेना बता देना जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पर है वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ठीक है ठीक है नेक्स्ट है लोहागढ़ लोहागढ़ फोर्ट अब आधे से ज्यादा लोहागढ़ फोर्ट तो पता है लोग किसको कहते हैं भैया मैम जयपुर के आगे भी एक रिजॉर्ट बना लोहागढ़ रिजॉर्ट ही होगा लोहागढ़ फोर्ट लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट है वो ठीक है एक्चुअल लोहागढ़ आपका भरतपुर में विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आयरन फोर्ट आयरन फोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई रूलर्स ऑफ भरतपुर इन सेवन थर्टी थ्री तब से अभी भी लोहागढ़ फोर्ट भी एग्जिस्टेंस में है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सुंदर फोर्ट है लोहागढ़ का भी ठीक है मालदेव की रानी जैसलमेर वाली रानी उमा देव भटियानी बिल्कुल रूठी रानी क्या बात है चलो महाराजा सूरजमल यूज्ड ऑल हिज पावर्स एंड वेल्थ टू अ गुड कॉज एंड बिल्ड न्यूमरस फोर्ट्स एंड पैलेसेस क्रॉस इंगडम वन ऑफ दैम बींग दी लोहागढ़ फोर्ट विच इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एवर बिल्ट इन द इंडियन हिस्ट्री पूरे इंडिया में भारतीय इतिहास में लोहागढ़ जितना स्ट्रॉन्ग फोर्ट शायद ही कोई है ठीक है याद रहेगा बुर्ज बुर्ज जवार बुर्ण क्या बात, बढ़िया, ठीक है, अचलगढ़ फोर्ट ऑफ सिरोही अच्छा तो अब क्या है ये ये एंशियंट फोर्ट है बहुत ही पौराणिक फोर्ट है बहुत ही पुराना ये बह चुका है फोर्ट जो कि आपके परमार रूलर्स ने बनवाया था अचलेश्वर टेंपल की हिल पर दिस फोर्ट वाज बिल्ड बाय परमार रूलर्स ऑन आबू माउंटेन अबाउट 900 एडी तो टाइम पीरियड भी आपको दे दिया है राइट अचलगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है भैसरोडगढ़ फोर्ट भैसरोडगढ़ फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं क्या कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर एंड इट इज सिचुएटेड ऑन दी जंक्शन ऑफ चंबल एंड बामनी चंबल और बामनी नदी जहां मिलती है उस कंजंक्शन पे ये सिचुएटेड है टन ट्वेंटी माइल्स फार अवे फ्रॉम उदयपुर तो चित्तौड़गढ़ वी ऑल नो इज लोकेटेड 120 माइल्स अवे फ्रॉम उदयपुर जो इनमें डिस्टेंस है वही बेस्ट रोडगढ़ और उदयपुर रो में डिफरेंस कंसिडर किया जाएगा ठीक है इतना समझ में आ गया हाँ नेक्स्ट इज शेरगढ़ डोलपुर तो धौलपुर में चंबल नदी के किनारे शेर सूरी ने शेरगढ़ बनवाया था आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कि इसका एक और नाम क्या है आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू में आपको जो रिमेनिंग कंटेंट है वो शेयर करूँगी ठीक है शेरगढ़ बैसरोडगढ़ अचलगढ़ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ठीक है जेम्स रॉड ने कहा कि मुझे किसी किले की जगह जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोड़गढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा ऐसा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो जेम्स रॉड का वन ऑफ द फेवरेट किले में था भैंसरोडगढ़ का किला आप क्या देखेंगे भैया पढ़ते ही थोड़ी रहोगे हैं पढ़ते ही थोड़ी रहोगे टेस्ट भी तो दोगे क्या दोगे क्वेश्चन सारे फोर्ट्स हो गए हाँ बिल्कुल सूर्या ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो गए जो एक दो बच रहे हैं छोटे मोटे फोर्ट्स वो आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपन कर लेंगे पूरे ठीक है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूरे कर लेंगे हाँ चलो तो क्वेश्चन या प्रश्नोत्तर कौन से वाले करेंगे अपन अभी ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन गेहूं Which of ऑफ द फॉलोइंग of ऑफ राजस्थान इज इंक्लूडेड इन World हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को चलो देखो अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट्स और न्यूजेस की तो शायद पिछले पाँच छः दिनों से मतलब मोटा मोटा पाँच दिन तो कंसिडर कर ही लो आई हैवन इवन वॉच्ड अ सिंगल न्यूज़ ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कोई न्यूज़ नहीं देखी पाँच चार पाँच दिन पहले वो डेली मर्डर केस की न्यूज़ देखी थी उसके बाद में शायद इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई और न्यूज़ खोल के देख भी सकूं। बहुत ऐसा अजीब सा वो हो रहा है कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है सडनली एज वी आर अवेयर ऑन दी सोशल मीडिया द इंस्टाग्राम प्रोबेबलीफोर यस्टर डे ठीक है परसों से परसों सुबह की बात है यानी परसों शाम की बात है वैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी बैठी बैठी एक और न्यूज़ आती है कि समवेयर इन यूपी और लेडी लेडीज बॉडी हेज बीन फाउंड आउट जिसका हेड नहीं है अगेन दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग मतलब उनसे बेटर यू बिलीव द जी ट्वेंटी समिट आई है सिंगल आर्टिकल एसोसिएटिंग इन टारगेटिंग द जी ट्वेंटी समिट कोई ऐसा आर्टिकल जो बहुत ज्यादा ऑफ इज हैपनिंग इन द कंट्री जी ट्वेंटी पर फोकस करे प्रेजिडेंटशिप पर फोकस करे आपके और जो भी चीजें हो रही हैं कि भैया जी ट्वेंटी ग्रुप में वाई पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड वाई इट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और मोर डेवलप क्यों नहीं आ रहा है वो क्यों ये जी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ऐसा क्या प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है ये कुछ नहीं दिखा रहे कोई कॉजेस कोई फैक्टर्स ऐसे नहीं दिखा रहे जस्ट दी क्राफ्ट The news headlines targeting some of the murders, some of this thing, then then targeting about their caste, their religion, this is all crap. इंसान जानवर जाति से नहीं बनता है वो जानवर पैदा हुआ होता है अब वो किसी रिलीजन या किसी कास्ट की गलती नहीं है कि उनके घरों में वो जानवर आ गया कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं चाहती कि हमारे घर में ये जानवर पैदा हो है ना कोई भी मतलब मेरा मानना यह है कि आज अगर हम यूथ के दिमाग में हमारी जनरेशन के दिमाग में ये डाल रहे हैं जो कि पुरानी जनरेशन के दिमाग में चलता आ रहा था कि सो एंड सो रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्राइम्स दैट आर बीइंग कमिटेड इन योर कंट्री नो द क्राइम्स आर कमिटेड नॉट बाय द रिलीजन इट्स बाय द पर्सन और वो पर्सन जानवर है वो रिलीजन या वो कम्युनिटी जानवर नहीं है तुम एक इंसान के लिए होल कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल बनाओ वो गलत है जितना राइट right आपका है ना गलत और सही करने का उतना ही गलत और सही करने का राइट right हर कम्युनिटी के हर इंसान का है तो ये जो काफी न्यूज चैनल्स हैं एंड आई वुड नॉट डेफिनेटली नेम देम बट आप लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एक मतलब एक वाइज इंसान की तरह सोचो बच्चा पैदा हुआ है अगर उसने किसी के ऊपर कुछ फेंक दिया तो ऐसा नहीं है कि वो उसको घर में सिखाया गया है कि बेटा तू ये फेंकना ठीक है और या घर में कुछ फेंकते हैं इसलिए उसने सीखा है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हम रिलीजन पे या किसी चीज़ों पे ध्यान या फोकस नहीं, नहीं करवा सकते और वी कैन इज वी कैन थिंक वाइजली कि इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कहाँ है इतने रेप केसेस हो रहे हैं इतने मर्डर्स हो रहे हैं कोई रिजिड रूल आ रहा है इनके लिए कोई रेगुलेशन कोई ऐसा अमेंडमेंट जो हिला के रख दे सब चीजें पॉसिबल है ऐसा कहते हैं कि हाँ रेप के लिए हम जो है फांसी की सजा इसलिए नहीं देंगे कि फिर इंसान बोलेगा कि हाँ रेप के लिए फांसी मिल रही है तो मैं मर्डर ही कर देता हूँ फिर फांसी मिल जाएगी मेरे को आप डेप्थ मत देखो कि कितना बड़ा क्राइम आप कर रहे हो सेंटेंस ऐसा दो जो सामने वाले को रुला दे जिसने क्राइम किया है डेथ तो सबसे इजी सेंटेंस होता है ऑनेस्टली देखा जाए तो वो क्राइम तो बहुत कम जगह हो पाते हैं एग्जैक्टली द मैसेज दैट द सोसाइटी इज गेटिंग एवरी थिंग दैट वी आर लाइक गेटिंग फ्रॉम द न्यूज चैनल नावर्डीज फ्रॉम द जर्नलिस्ट नावर्डीज प्योर और बायस्ड जस्ट बिकॉज <coughs> speaks आउट लाउडली बोल्डली तो ये नहीं कि वो अच्छा बोलता है इसलिए वो सही बोल रहा है जस्ट बिकॉज मेरी आवाज अच्छी है डज मीन कि मैं कुछ भी बोलूंगी वो अच्छा लगेगा हर चीज को सोचो परखो और फिर अपने अजम्पन्स अच्छा दो बिकॉज इन योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन दैट इज थिंग दैट मैटर्स हाउ यू थिंक हाउ क्लियर यू आर फ्रॉम ह्योर आप कितने क्लैरिफाइड हो आपकी सोच में कितना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है कि हाँ ये मेरा थाट है आई बिलीव दैट दीज थिंग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रिलीजन आई बिलीव पर्दा सिस्टम वॉज अ क्राइम बीट वेयरिंग रिब्ड चीज बीट वेयरिंग एनी कल्चरल ड्रेस बट उसके फेवर में अगर मैं उसको हटाने के लिए ये बोलूँ कि पर्दा सिस्टम सही था तो वो भी गलत है I should be very rigid towards my decision that फर्दा सिस्टम was a bad thing, it was a bad thing, वो फ्रीडम को बाउंड कर रहा था वो कोई ऑप्शनल चीज़ या कोई वॉलेंट्री चीज़ हमने वेमेन को नहीं दी थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चीज़ नहीं थी कल्चरल भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए चाइल्ड मैरिजेस कल्चर में था लोगों की नहीं होना चाहिए ऐसा कल्चर जो लोगों की जिंदगी खराब कर दे तो कुछ जो कहते हैं ना कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए हमको नए स्टेप्स नहीं लेने चाहिए लेने चाहिए उनको बैन करने के लिए देने चाहिए भाई नया मत अडाप्ट करो राइट चलिए वी डू हैव दिस कोर्सेज लाइक सेल्फ डिफेंस बट कोई सेल्फ डिफेंस काम नहीं आता जब सामने बंदूक होती है कोई सेल्फ डिफेंस काम नहीं आता है वॉट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वट एवर वी आर डीलिंग नाउ वट और घर पे भैया सबको बोलो सेफ रहने को स्मार्टली रहने को चलिए कमिंग बैक टू द्वेश्चनि करेक्ट आंसर वुड बी दमेर आमिर फोर्ट यस कोई इंसान जो कुछ कुछ कर दो और दो चार शायरियाँ सुना कर जोर जोर जो से बोलता है उसी को सुनते हैं इंडिया में ज्यादातर लोग यही ट्रेंड चल रहा है बाकी जो इंसान है वो मुद्दे की बात करते हैं बिल्कुल सही हु ंग की वी शुड प्रमोट दैट रिलीजन का है रिलीजन के नाम पे अगर हम कोई चीज कर रहे हैं देखो ऑनेस्टली मैं एक चीज पे विश्वास रखती हूँ रिलीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो आपको कभी कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए दैट इज मोस्ट आई वुड से कि सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक में हिपोक्रेसी है तो वो उसी में ही है उसी एक टॉपिक में बिलीफ रखो हिपोक्रेसी मत रखो किसी एक इंसान के लिए प्रिस्ट के लिए करना सही है और हमारे लिए करना गलत है क्यों वही हिपोक्रेसी क्यों भगवान के सामने तो प्रिस्ट भी वही, और वही है और हम भी वही हैं सेवा तो हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है दोनों में डिफरेंस क्यों कास्ट सिस्टम क्यों कि ब्राह्मण अंदर मंदिर में जा सकते हैं बिल्कुल अंदर तक जा सकते हैं और कोई नॉर्मल कास्ट के लोग नहीं जा सकते क्यों कहाँ लिखा है भगवान ने ये है, है कहीं लिखा है तो बताओ कहीं नहीं लिखा पहले का सिस्टम आपका जो जो वर्ण सिस्टम था ब्रेन बेस्ड था अब हमने उसको बर्थ बेस्ड बना लिया है क्राइम्स और ये सब चीजें ना हम लोगों को खत्म करनी पड़ेगी हमारी सोच इंप्रोवाइज करके ठीक है कमिंग टू द क्वेश्चंस वी विल बी हैविंग अ रैपिड फायर राउंड बाय नाउ द फोर्ट जूनागढ़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग रायसिंह कल्याणमल अनूप सिंह सोर्सिंग जूनागढ़ फोर्ट किसने बनवाया था भैया हमने देखा था राय सिंह जी ने बनवाया था राय सिंह जी ने जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर की बात हम करते हैं वो बनवाया था जूनागढ़ फोर्ट का दूसरा नाम क्या है बीकानेर फोर्ट है कल ही बताया था मैंने याद आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फोर्ट इज आल्सो नोन एज गड़बीतली वी रिसेंटली फिल आई गेस 10 मिनट्स बैक गड़बीतली की बात करते हैं हम तारागढ़ फोर्ट अजमेर तारागढ़ फोर्ट बूंदी जालोर फोर्ट एंड सिवान फोर्ट गढ़ सिंह, बिल्कुल सही जूनागढ़ फोर्ट के रेफरेंस में गढ़ बीतली यस जी गढ़ बीतली यस द तारागढ़ ऑफ अजमेर जहां पे पृथ्वीराज की वाइफ ताराबाई रहती थी मेवाड़ वाले पृथ्वीराज ठीक है यस शुड कॉल इंडियन इवन दो वी आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स लाइक रिजर्वेशन फॉर सच केसेस दैट शुड बी रिमूव्ड देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर ऑल दोस रिजर्वेशंस मुकेश कुलगढ़ right? yeah. कुंबलगढ़ के किले के चीफ आर्टिंग कौन रहे अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ दिफो yes, भरगढ़ <coughs> और ये कुंभा में आते थे गोविंद नापा सब ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट ऑफ राजस्थान विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यहाँ हम बात कर रहे हैं साइट की ना कि फोर्ट की तो प्लीज याद रखिएगा फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज यहां भी ध्यान रखना नॉट इंक्लूडेड पूछा है जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी जयपुर कुंभलगढ़ फोर्ट येस इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द वॉल तो हवेलीज आमेर विल बी द करेक्ट आंसर विद दिस रेफरेंस ओके दिनेश घ ऋषि दिनेश इस प्लेटफॉर्म का नाम है सम्यक सम्यक आई ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर इज नॉट सिचुएटेड इन द करौली डिस्ट्रिक्ट तिमानगढ़ मांडरियाल फोर्ट रामथरा नहर सागर कुंड इन चारों में से करौली डिस्ट्रिक्ट में क्या सिचुए <coughs> 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 क्या सिचुएटेड नहीं है नहर सागर कुंड राइट नहर सागर कुंड अगला क्वेश्चन विच ऑफ दी गिवन हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ दान रेंजेज इन राजस्थान मुकुंदरा डोरा माउंटेन अलवर गिरवा चार ऑप्शन है चारों में से विद्यान रेंज का राजस्थान का एक्सटेंशन कौन सा है हम सबने पढ़ा है दैट मुकुंद्रा हिल्स इज़ एक्सटेंशन ऑफ दान रेंज इन द राजस्थान तो ये आपको ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे हिली फोर्ट्स और इन सबसे जूनागढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन दी बताओ गिरवा नहीं होगा सूर्य गिरवा नहीं होगा वो है ना हाँ मुकुंदरा होगा गिरवा नहीं होगा गिरवा उदयपुर वाला हो गया ठीक है देखो विन्यान की बात हम करते हैं एमपी साइड पे ठीक है गिरवा आ जाएगा यहाँ हमको इस रेफरेंस में देखना है ठीक है मुकुंदरा हिल्स <coughs> बीकानेर राय सिंह ने बनवाया करेक्ट next question nawlakha darwaza nawlakha darwaza is a part of which of the following forts of rajasthan nawlakha darwaza nawlakha nawlakha jo bhi bolna chahte ho yes absolutely none other than, than the fort of ranthambore और इससे ही ध्यान रखना है झाइन फोर्ट का भी नाम एग्जाम में अगर पूछे झाइन किले के बारे में झाइन फोर्ट कर लो यार किला थोड़ा क्या कई बार नहीं पूछते ठीक है यस एब्सोल्युटली ट्रू द फोर्ट ऑफ रणथंबोर नेक्स्ट क्वेश्चन धनवन फोर्ट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ जंगल डिजर्ट वॉटर हिल्स कल मैंने बताया था धनवन के बारे में धनवन धनवन कौन से होते हैं धनवन कौन से होते हैं धनवन डेजर्ट वाले फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट होते हैं हिली वाले हिली होते हैं वाटर वाले वाटर होते हैं ठीक है थीके? डेजर्ट वाले धनवन होते हैं जिसमें हमने देखा था जैसलमेर फोर्ट के बारे में जोधपुर बीकानेर इन फोर्ट्स के बारे में कि किस कैटेगरी में आ रहे थे धनवन में ही आ रहे थे ठीक है अगला देख लो क्वेश्चन कतारगढ़ इज अ पार्ट ऑफ डैश फोर्ट कतारगढ़ बताया था किस फोर्ट का पार्ट है बताओ कुंबलगढ़ फोर्ट का पार्ट है कतारगढ़ फोर्ट जो कि कुंबा का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था याद आ गया इसको आई ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट भी कहते हैं रेगिस्तान वाले बिल्कुल सही कुंबलगढ़ फोर्ट का पार्ट है कतारगढ़ फोर्ट कुंभा का प्राइवेट रेजिडेंस भी ही कहते हैं अपुल फजल कहते हैं इट इज सिचुएटेड एट सच अट दैन लुकड एट द बॉटम फ्रॉम बॉटम टू टॉप योर टर्बन विल फॉलो फ्रॉम देड क्या है ये चित्तौड़गढ़ कुंबलगढ़ मेरानगढ़ रणतंबोर चार फोर्ट है चारों में से एक फोर्ट ऐसा है जिसमें आप अगर नीचे से ऊपर देखोगे तो आपका टर्बन गिर जाएगा लेकिन उसकी हाइट खत्म नहीं होगी कौन सा फोर्ट है चारों में से हाँ सॉरी मेवाड़ की सॉरी 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 आई ऑफ मेवाड़ आई ऑफ मेवाड़ आई ऑफ कुंबलगढ़ कहते हैं आई ऑफ मेवाड़ होगा ठीक है कतारगढ़ बिल्कुल कुंबलगढ़ यस yes. किसके लिए कहते हैं ये कुंबलगढ़ के लिए ही कहते हैं कुंभलगढ़ के लिए ही कहा जाता है ये ठीक है चलो अगला देख लो क्वेश्चन रामगढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ देखो अक्सर रामगढ़ को लोग क्या कहते हैं जयपुर में है रामगढ़ तो मैं बता दू रामगढ़ डैम है रामगढ़ हिल्स की बात हमेशा बारह डिस्ट्रिक्ट से करेंगे बारा डिस्ट्रिक्ट से सो इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू ऑल दैट ऑन मंडे मैं टॉपिक्स बता रही हूं उन सारे टॉपिक्स का एक एमसीक्यू टेस्ट होगा यूट्यूब पर मंडे को एक एमसीक्यू टेस्ट होगा यूट्यूब पर आपके सारे टॉपिक्स का कल्चर के लिख लो कौन कौन से हैं सेंट एंड sects, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान फोर्ट्स पैलेसेस एंड हवेलीज कर दू क्या हवेलीज तो हो गया ऑफ राजस्थान ठीक है इन चार टॉपिक का मंडे को सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर टेस्ट होगा मिनिमम एक टॉपिक से तीस क्वेश्चन आएंगे राइट यस वी विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग द क्लासेस अप एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन ओवर हियर ओनली कल फिर मिलेंगे सुबह साढ़े दस बजे समय सिविल सर्विसेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में तो कल जुड़िएगा मेरे साथ में लाइव साढ़े दस बजे पैलेसेज हवेलीज कंप्लीट करने के लिए आपके राजस्थान की तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन सी यू वेरी सून डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद यर फ्रेंड्स ऑन द टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम और ऑल दोशल मीडिया हैंडल्स थैंक यू बाई बाय टेक केयर सी यू वेरी सून